मूसलाधार वर्षा से जिले के 348 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यह सभी गांव नदी नालों के करीब स्थित है। नवेगांव, खैरी, नांद और बड़गांव बांध के गेटों को खोलने की वजह से यह स्थिति हुई है। उधर पेंच एवं कन्हान नदी भी उफान पर है। इस बीच अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी आर विमला ने बुधवार को पत्र परिषद में जिले में बरसात से उपजे हालात की जानकारी दी। उन्होंने सतर्कता के निर्देश देते हुए कहा कि लगातार वर्षा से जिले की बड़ी परियोजनाओं में एक नवेगांव खैरी में 100% पानी जमा हो गया है। नतीजन बांध के 16 गेट खोलने पड़े हैं। यहां से 0.47 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसी प्रकार नौंद एवं वड़गांव बांध के गेट भी खोले गए हैं। यहां से क्रमशः 105.6 एवं 96.05 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जीरी ने बताया कि अब भी वर्षा आरंभ है। बांधों के गेट खोलने से नदी तट के पास स्थित गांवों को सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन सतर्क है, जरूरी संसाधन भी उपलब्ध है, आपदा प्रबंधन की टीम भी तैयार है। इस दौरान जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अंकुश गावंडे उपस्थित थे। रेनफॉल जास्त होता है आणि त्या व्यतिरिक्त आपण जर बघितलं तर जे धरण आहे त्याची पातळी सुद्धा वाढत आहे आणि त्या अनुषंगाने जर आपण पाहिलं तर डिस्चार्ज पाणी जास्त झाल्यामुळे गावाकडची जे नदीकडची जी गावे त्यांना संभवतः धोका होऊ शकतो असे आम्हाला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि सुप्रिटेंडेंट इंजिनियर जे इरिगेशन डिपार्टमेंटचे आहे विशेषतः गोष्टीखुर्दचे जे त्यांनी गेट्स ओपन केलेले 16 गेट सध्या ओपन केलेले आहे त्यामुळे जसं आपल्याकडे आवरमारा गाव आहेत किंवा आपल्याकडे कुसबा गाव आहे जे गोसीकूटचे बॅकवॉटर्समध्ये तर अशा प्रकारचे गाव किंवा 334 गावे आपले 300 आयडेंटिफाईड आहेत त्या गावांमध्ये सुद्धा आपले पाण्याची पातळी वाढू शकते। त्यामुळे आपल्या मार्फत लोकांपर्यंत हे मेसेज पोहोचवायचं आहे की सुरक्षित रहा आणि घरातच रहा। जिलाधिकारी आर विमला ने बताया कि हालात को देखते हुए स्कूलों को अवकाश देने को लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर से चर्चा की जाएगी, इसके बाद ही कुछ फैसला होगा। बरेचसे शाळा आता आपण नवीन इमारतीमध्ये आहेत असं मला असं वाटत नाही की सगळ्या शाळे धोकादायक असतील। आता सध्या तरी असं मला असं वाटत नाही की खूप धोकादायक इमारत आहे। मोस्ट ऑफ द इमारत चांगल्या आपण बनवलेल्या आहेत गव्हर्नमेंटच्या प्रोग्राम्समध्ये, पण आम्ही तरी खात्री करून घेतो असे काय असेल तर आपण त्याची उपाय योजना। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।